नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। प्रदेश में देश के गद्दारों के चेहरों से नकाब उतरता जा रहा है। चंद रुपयों के लालच में इन लोगों ने न सिर्फ अपना ईमान बेचा बल्कि देश का नमक खाकर देश के साथ नमक हरामी की। गोधन बीरबल के बाद जिस तरह से बीएसएफ जवान अनिल को पकड़ा गया है, उससे साफ है कि दुश्मन देश की जड़ें हमारे देश में काफी गहरी हैं। तो इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, प्रदेश में देश के कितने गद्दार। बीएसएफ के एक जवान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ जवान को श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया। उस पर तस्करों की मदद करने का भी आरोप है। पकड़े गए इस जवान पर पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। श्रीगंगानगर के रायसिंह से गिरफ्तार इस बीएसएफ के जवान पर जासूसी और नशीले पदार्थों की तस्करी में मदद करने का आरोप है। आईएसआई के हाथ की कठपुतली बनकर इसने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भी मुहैया कराई है। 52वीं बटालियन के इस जवान को पंजाब पुलिस ने पूरी पड़ताल और पुख्ता सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया है। अनिल कुमार नाम का ये जवान पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के राडार पर था। इसकी हर गतिविधि पर उनकी नजर थी। इसके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर रखा गया था। अनिल ही बिलोंग्स टू अमृतसर एरिया एंड ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस क्रिमिनल गैंग मेंबर्स एंड देन ही वाज इन टच विद इम्तियाज द नोटोरियस पाकिस्तान स्मगलर हु इज बेस्ड इन लाहौर। सो बेसिकली ही वाज वर्किंग इन द बीएसएफ 52nd बटालियन इन गंगानगर एरिया। So he has been arrested from there by our team. He is in police remand now till tomorrow, and he has revealed that he was in touch with his handler Imtiaz over the WhatsApp, both calling and messaging, and the Pakistan SIM which is working at the international borders. 52वीं बटालियन के अधिकारी भी इस पर नजर बनाए हुए थे, और जैसे ही इसके खिलाफ ठोस सबूत हाथ लगे, इसे धर दबोचा गया। तरन तारण में एक शादी समारोह के दौरान कॉमन कनेक्शन के जरिए इसका संपर्क एक पाकिस्तानी हैंडलर इम्तियाज से हुआ, और तब से ये पैसों की लालच में उसके इशारे पर काम करने लगा। बात ड्रग्स की खेप पहुंचाने में मदद की हुई थी, लेकिन बाद में अन्य सामानों तक पहुंच गई। पिछले कुछ दिनों जोधपुर और जैसलमेर से 4 जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऐसे जासूसों पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब पठानकोट के आतंकी हमले की बात कर लें तो पंजाब बॉर्डर से 25 किलोमीटर तक अंदर आतंकी पहुंचे थे। आर्मी, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्हें ट्रेस नहीं कर पाई। कुछ गद्दारों ने भी आतंकियों की मदद की थी। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई फौज से जुड़े लोगों को फंसाकर गद्दारी करने को मजबूर करती है। लोगों को फंसाने के लिए लाहौर और कराची में बाकायदा कॉल सेंटर चल रहे हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किस तरह से आईएसआई लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें गुमराह करती है। सबसे पहले हम आपको बताएं आईएसआई का 3W यानी कि वेल्थ, वुमेन और वाइन, इसका लालच देकर लोगों को गुमराह करती है और फिर ब्लैकमेल कर उन्हें फंसाती है। हाल ही में आईएसआई के मॉड्यूल के ब्रेक होने के बाद नए जासूस और एजेंट पकड़े जा रहे हैं और इन्हीं से सारे खुलासे हुए हैं। आईएसआई के लाहौर और कराची में 2 कॉल सेंटर हैं। एजेंट या स्लीपर सेल भारत से इनके पास नाम और मोबाइल नंबरों की लिस्ट भेजते हैं। इसमें फौज से जुड़े लोग या उनके रिश्तेदार और फौजी ठिकानों के आसपास रहने वाले लोगों के नंबर होते हैं। फिर 5 स्टेप में शुरू होता है सर्चिंग, टैलेंट स्पॉटिंग से एजेंट बनाने तक का काम। कॉल सेंटर के जरिए 100 लोगों को 2000 कॉल कर तलाश करने का टारगेट दिया जाता है। लाहौर और कराची के कॉल सेंटर से लड़कियां इंटरनेट कॉल और सोशल साइट्स के जरिए दोस्ती करती है। इसके बाद एक हफ्ते में 150 लोगों को 2000 तक कॉल किए जाते हैं। ऐसा ही एक केस पूर्व फौजी गोधन सिंह को राजस्थान के पोखरण से पकड़ा गया था। वो महिलाओं के फोन और पैसे के ऑफर से ही फंसा था। उसने DRDO और सरकारी लेटर तक पाकिस्तान पहुंचाए थे।
इधर आईएसआई के खुफिया एजेंट की अगर बात करें तो यहाँ हाई लेवल एजेंट होते हैं। इधर हाई कमीशन या दूतावास के ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनमें अगर बात कर लें तो 5 साल पहले इस्लामाबाद में माधुरी गुप्ता पकड़ी गई थी। ब्यूरोक्रेट या बड़े रसूखदार भी इसमें संभव होते हैं। आईएसआई के खुफिया एजेंटों की बात कर लें तो मोल सबसे खतरनाक एजेंट होता है, जिसमें ये सीमा पार से आते हैं, जासूसों को MES या फौज में भर्ती कराते हैं, सेना के हर मोमेंट की जानकारी इनको दी जाती है। खुफिया एजेंटों की बात करें आईएसआई के तो इसमें रेजिडेंट एजेंट भी होते हैं, जिसमें प्रशिक्षित पाक नागरिक भारत भेजते हैं। 12 साल पहले बेनजीर भुट्टो के पूर्व बॉडीगार्ड की जोधपुर से गिरफ्तारी हुई थी। अगर ऐसे ही खुफिया एजेंटों में सोर्स एजेंट पाए जाते हैं जो फोन या सोशल नेटवर्क पर सूचनाएं और इनपुट देते हैं। जैसलमेर से पटवारी गोधन सिंह की जो गिरफ्तारी हुई थी वो इसी का उदाहरण है। खुफिया एजेंटों की बात कर ले आईएसआई के तो इन्फोमेंट जो होते हैं वो भी काम के होते हैं इनमें, और सिर्फ उन्हें सूचना देने वाला कहा जाता है, जो कोई भी हो सकता है, चाहे फिर वो सरकारी कर्मचारी हो जिससे सूचना ली जाती हो, या ये ऐसे सोर्स होते हैं इनके जो जरूरी नंबर उपलब्ध कराते हैं। अब एजेंट आते हैं इनमें, जिसमें जेम्स बॉन्ड, टाइगर या फैंटम जैसे नामों के कोड वाले एजेंट होते हैं। अक्सर कई फिल्मों में ऐसे किरदार आपको देखने को मिले होंगे। देश की सरहदों के भीतर का ये सच न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि डराने वाला भी है, क्योंकि देश के भीतर गद्दारी के नाम बढ़ते जा रहे हैं। पोखरण से हुई गोधन की गिरफ्तारी कुछ इसी हकीकत को बयां कर रही है। पोखरण ही क्यों, सरहद की तरफ बढ़ते हुए जैसलमेर को देख लीजिए। यहां भी एक शख्स बीरबल खान पुलिस के हत्थे चढ़ा। अब जरा सिलसिलेवार इन लोगों का कसूर भी जान लीजिए। देश के भीतर गद्दारों के नाम बढ़ते जा रहे हैं। पोखरण से हुई गोधन की गिरफ्तारी कुछ इसी हकीकत को बयां करती है। पोखरण ही क्यों, सरहद की तरफ बढ़ते हुए जैसलमेर को देख लीजिए। यहाँ भी एक शख्स बीरबल खान पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब जरा सिलसिलेवार इन लोगों का कसूर भी जान लीजिए। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देना, टेक्नोलॉजी के जरिए गद्दारी, पाकिस्तान से लिए पैसे। इतना ही नहीं, गिरफ्त में आने के बाद इसने एक और बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक वो अपने इन सभी गुनाहों की बाकायदा कीमत वसूलता था और इसके लिए उसे पाकिस्तान से रकम मिलती थी। इसके अलावा जैसलमेर में भी एक शख्स को चांधन गांव में एयरफोर्स की फायरिंग रेंज के पास दबोच लिया गया। ये शख्स रेंज के पास की तस्वीरें ले रहा था। पकड़े गए शख्स का नाम बीरबल खान है। दरअसल 18 मार्च से होने वाला है एयरफोर्स का बड़ा युद्धाभ्यास। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति कर सकते हैं शिरकत। 50 से भी ज्यादा देशों की डिफेंस टीम मौजूद होगी। तो सवाल उठता है कि इलाके की फोटोग्राफी किसके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्थितियां बेहद खतरनाक है, लेकिन इनसे कैसे निपटा जाएगा। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, अगर बात कर लें तो गोधन, बीरबल या उसके बाद अनिल की भी, देश के ये गद्दार प्रदेश में हैं। प्रदेश की पुलिस या यहाँ की ATS या BSF के जवानों की ही अगर बात कर लें तो किस तरह की अब रणनीति होगी कि इनसे निपटा जाए और इनको कैसे पकड़ा जाए। देखिए माधुरी, बीते तकरीबन 6 महीने की अगर बात करें और आंकड़ा जुटाया जाए तो राजस्थान की जो सीमा क्षेत्र है वहां से एक बहुत ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है, और जो खतरा है वो एक जासूसी के तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी कि राजस्थान के ही भीतर हमारे ही लोग अपने ही लोगों के बीच में कौन अपना है, कौन देश के लिए गद्दारी कर रहा है, ये जान पाना बहुत मुश्किल सा हो चुका है। चाहे वो बीरबल की कहानी हो, चाहे वो गोवर्धन की कहानी हो, या हाल में ही जो अनिल का जिक्र आता है सामने, तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान से जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, क्या वो ऐसे लोग इन लोगों को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं। अनिल को जिस तरीके से टारगेट किया गया था, अनिल को जो जिम्मेदारियां दी गई थी, या उससे पहले बीरबल को जो जिम्मेदारी दी गई, गोवर्धन को जो जिम्मेदारी दी गई, गोवर्धन एक ऐसा शख्स था जिसको राजस्थान के बारे में, राजस्थान के उन जिलों के बारे में जहां से कहीं ना कहीं सुरक्षा की बड़ी बात सामने निकल के आती है, जैसलमेर की बात है, चाहे वो हमारे युद्धाभ्यास की बात हो, चाहे हमारे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसले हों, ये तमाम ऐसी जानकारियां होती थी जो गोवर्धन जैसे शख्स के पास होती थी। और एक नाम से नहीं बल्कि ये लोग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग कोड वर्ड से जाने जाते हैं, और
एक बड़ा फायदा लोगों को हो जाता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, चाहे वो मोबाइल के ऐप्स हों, जो व्हाट्सएप हो जाता है, फेसबुक हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनके जरिए लोग बातचीत करते हैं। अमूमन सेना, आंतरिक सुरक्षा, BSF ये कहीं ना कहीं इनको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बड़ी दिक्कत सामने आ जाती है जब ये लोग ऐसे व्हाट्सएप के जरिए, BBM के जरिए, फेसबुक के जरिए बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ जाए कि इनको कैसे ट्रेस किया जाए, इनकी बातचीत को कैसे ट्रेस किया जाए। फोन को ट्रेस करना, फोन को ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब इस तरह के लोग ये तकनीकें अपनाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। लेकिन मोटा मुद्दा जो हम बात कर रहे थे कि अब हमें अपने ही लोगों से, ऐसे गद्दारों से कहीं ना कहीं डर सताने लगा है जो हमारे ही बीच में रहकर हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। अनिल का अगर जिक्र करते हैं तो जो जिक्र सामने आता है कि ना सिर्फ वो हथियारों की तस्करी कर रहा था बल्कि ड्रग्स की तस्करी भी कर रहा था, और उसके हर कंसाइनमेंट पे उसको तकरीबन 50,000 का भुगतान किया जाता था, यानी कि जो कंसाइनमेंट उसको दिया जाता था जब उसकी वो डिलीवरी करता था उसको तकरीबन 50,000 दिया जाता था। यही नहीं, जैसा कंसाइनमेंट दिया जाता था, यानी कि कंसाइनमेंट की जो नेचर के हिसाब से उसको राशि उपलब्ध कराई जाती थी। बिल्कुल आशुतोष, ये बेहद बड़ी और गंभीर समस्या है कि ये जो इतने बड़े गद्दार हैं वो देश के गद्दार हैं और प्रदेश में भी इनकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत इजी टारगेट हो जाता है जब किसी सेना के जवान को इस तरह से पकड़ा जाए और उससे सोर्स जुटाने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर CM आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक चल रही है और ये बैठक खुद मुख्यमंत्री राजे ले रही है। बैठक में DGP मनोज भट्ट भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि IPS तबादलों की लिस्ट पर मुहर लग सकती है, ये संभावना जताई जा रही है, और इस बैठक में हो सकता है कि कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाए। किस तरह से बैठक खास होगी इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ये बैठक ले रही है जिसमें खुद DGP मनोज भट्ट भी मौजूद हैं। खबर ये है कि पूरी आशंका IPS तबादलों की लिस्ट पर आज मुहर लग सकती है और इस बैठक के बाद भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इस बैठक के अंदर इस पर मुख्य तौर पर चर्चा हो सकती है, जहां ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, बैठक चल रही है CM आवास पर मुख्यमंत्री राजे की अध्यक्षता में, मनोज भट्ट DGP खुद मौजूद है वहां पर, क्या खास रहेगा, किस तरह से फैसले इसमें सामने आएंगे? देखिए माधुरी, बीते लंबे दिनों से मुख्यमंत्री की सरकारी कामकाजों में कितनी व्यस्तता देखा गई थी, और एक जो बड़ी मोहर लगनी थी उनकी वो थी IPS की जो तबादलों की लिस्ट है। एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि उनसे आखिरी मोहर कब लगती है। बातचीत के जरिए लगातार ये किसकी बेहतर परफॉर्मेंस रही है, किस क्षेत्र का किस तरह का किसका सही प्रभाव रहेगा, कौन अफसर कहाँ पे ठीक बैठता है, तो ये एक आखिरी मोहर थी जिसको लेकर मुख्यमंत्री की जो एक मोहर थी, आखिरी उनकी जो कहीं ना कहीं इच्छा थी वो सामने निकल के आनी थी, उसी को लेके उसी परिप्रेक्ष्य में बातचीत चल रही है। CM आवास पे DGP मनोज भट्ट ने उनसे बातचीत की है, और अभी तक ये बात ये साफ नहीं हो पाया है कि हाँ पक्का कि आज आजकल में लिस्ट आ जाएगी नहीं आ जाएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि बहुत जल्द IPS की लिस्ट है वो सबके सामने होगी, क्योंकि अब उस पर CM की मोहर लगती है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि CM से समय लिया जाए और उसके बाद में उस पर एक पक्की मोहर लग जाए कि जो भी IPS के तबादले होंगे, जो भी ट्रांसफर्स होंगे, उसमें किसको कहाँ वो बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पे, कौन जिसने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, किस आधार उसको बनाया जाएगा, क्या कुछ परफॉर्मेंस तैयार किया जाएगा, उस पर आखिरी मोहर CM की लगनी थी, और संभवतः वो मोहर लगती हुई दिखाई दी है। चलिए शुक्रिया आशुतोष जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि संभावना पूरी जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद इस लिस्ट पर मुहर लगेगी कि IPS तबादलों में किसका ट्रांसफर कहां होगा और किस तरह से चीजें सामने आएंगी। इस बैठक के बाद नतीजतन ये फैसला सामने आ सकता है। इधर उदयपुर से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि जिला प्रमुख ने जिला कलेक्टर पर लगाए आरोपों के मामले में गृहमंत्री कटारिया से भी शिकायत की थी। कटारिया ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि जिला प्रमुख ने उन्हें मामले की जानकारी दी थी और उन्होंने जिला कलेक्टर को उचित निर्देश भी दिए थे। साथ ही कटारिया ने कहा कि जिला प्रमुख उचित जगह अपनी समस्या रख सकते हैं। पिछली बैठक में एक बात जरूर कही थी, मैंने उसी दिन कलेक्टर के साथ मेरी बात हो गई और मैंने उनको निर्देश की तरह से दे दिया कि भाई ऐसा वो महसूस करता है तो जहाँ जिस जगह मुझे बात करनी थी मैंने कर ली, उनको जिस जगह बात उन्होंने की वो उनको शोभा नहीं देता है, उसकी कई जगह थी जहाँ अपनी बात पहुँचा सकते।
खबर झालावाड़ जिले से, जहां भवानी मंदिर इलाके में एक कार में अचानक आग लग गई। घटना से यहां हड़कंप मच गया। आपको बताएंगे कार सवार चार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कार सवार चार लोग पागरिया से झालावाड़ की ओर जा रहे थे और इसी दौरान गुराडिया गांव के पास कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना मिलने पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। भवानी मंदिर इलाके की तस्वीर, जहां गुराडिया गांव के पास अचानक शॉर्ट सर्किट से इस कार में आग लग गई। हालांकि इस कार में चार लोग जो सवार थे उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन अचानक आग लगने की खबर से यहां हड़कंप मच गया। धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र की कुशवाहा बस्ती में शॉर्ट सर्किट होने से दोना पत्तल बनाने के कारखाने में आग लग गई। इस आग में लाखों का सामान जलने के साथ दो बच्चे भी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों बच्चों के इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे अपने परिवार के साथ कारखानों में सो रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट से यहां आग लग गई। चोरों में रिश्तों की मर्यादा शर्मसार हो गई। यहां देवर ने अपनी भाभी का चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया और परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात 6 जनवरी की है और पीड़ित ने समाज में बदनामी के डर से किसी से भी इस वारदात को नहीं बताया, लेकिन जब उसने अपने परिजनों को आपबीती बताई तो पता दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तो वो बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जहां अब ये पूरा मामला पुलिस की नजर में। चूरू की ये पूरी वारदात, जहां एक देवर ने अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म किया और परिजनों को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि वारदात 6 जनवरी की है, लेकिन जब पीड़िता ने अपने परिजनों को इस बारे में बताया तो उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। महिला ने अपने ही देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज कर लिया गया है और महिला का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे जैसी डिसमत कार्रवाई की जा रही है। बूंदी जिले में बहने वाली घोड़ा पछाड़ नदी ने बरुंधन गांव का दो भागों में बांटा हुआ है। यहां के लोग अपनी जरूरतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह नाव के जरिए जाते हैं और ये सब हो रहा है आजादी के 67 साल बाद। कहने को तो देश विकास की नई इबारतें लिख रहा है, लेकिन आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सुविधाएं समय से इंतजार कर रही हैं। बूंदी जिले का बरुंधन गांव सरकार की बेरुखी का शिकार है। यहां से बहने वाली घोड़ा पछाड़ नदी ने गांव को ही नहीं बांटा, बल्कि यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को किनारे लगा दिया। लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नाव पर निर्भर हैं। नेता यहाँ वो के भी गुजरते हुए विधायक कलेक्टर साहब मुद्दे बहुत सी बार यहाँ आके हमको आश्वासन भी दे के छुए गए, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए पुलिया जरूर बनाएंगे। पर एक साल दो साल गुजर गया, अभी तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। इस समस्या का आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। मामला लगभग 125 करोड़ के आसपास का है, बाकी किसी भी सरकार ने इसको आज दिन तक जोर शोर से नहीं उठाया। अरबों करोड़ों रुपए के काम वैसे ही हो रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं, लेकिन इस पुलिया के बारे में अभी तक चर्चा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ ज्यादातर एससी के लोग रहते हैं। समस्या उस समय और ज्यादा बढ़ जाती है जब ये नदी उफान पर होती है और बड़ों के साथ बच्चे भी नाव में सवार होकर स्कूल जाते हैं। अब 67 साल की समस्या आदत बन गई है और ग्रामीण रात हो या दिन, कोई बीमार हो या फिर मांगलिक काम, नाव का ही सहारा लेने को मजबूर है। विशेष तौर से तालेड़ा और बूंदी के बीच का जो इलाका है, इसमें लगभग 3 नदियां छोटी बड़ी बहती हैं और इन नदियों के किनारे गांव बसे हुए हैं। तो कुछ जगह ये समस्याएं हैं कि इन नदियों जो बरसात के दिनों विशेष तौर से ये दिक्कत आती है जो पानी रहता है। बरुंधन गांव के लोगों की समस्या का समाधान पंचायत ने नाव को हम सफर बनाकर किया, लेकिन इंतजार सालों से पुलिया का है जो समय और जान दोनों को बचाएगा। अब देखना होगा सरकार कब जागती है। भवानी सिंघाड़ा, जी मीडिया, मोदी।
बूंदी जिले के दबलाना में पुलिस की तलाशी में ऐसी ऐसी प्राचीन चीजें मिली हैं जो पुराने जमाने की याद ताजा कर रही हैं। हालांकि ये सामान अवैध तरीके से घर में छुपा कर रखे गए थे। बूंदी के मुंडकसा गांव में जब ये पुराने जमाने की चीजें मिली तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दबलाना पुलिस ने जब गांव के अम्मा लाल के घर पर दबिश दी तो अनोखी चीजों ने लोगों को हैरत में डाल दिया। इस घर से पुराने नोट सिक्के, चांदी, तांबे और पीतल से बनी मूर्तियां, औजार और बर्तन बरामद किए गए। अम्बालाल मीणा, सन ऑफ मांगीलाल मीणा के घर पे दबिश दी गई। वहां चोरी के सामान मिलने की उम्मीद थी। घर में तलाशी ली गई तो वहां पर पुरातत्व की रियासतकालीन दुर्लभ मूर्तियां, सिक्के, कोर्ट फीस, स्टाम्प, काफी तादाद में वस्तुएं बरामद हुई, एंटिक वस्तुएं। साथ में ही तलाशी के दौरान वहां 2 किलो डोडा चूरा भी पुलिस को बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। ये प्राचीन सामान अब पुलिस के कब्जे में है। हालांकि पुलिस अब अम्मा लाल की तलाश में जुट गई है। इस मामले से जिले और दबलाना इलाके में होने वाली चोरियों का बड़ा खुलासा होने की संभावना है। भवानी सिंह हाड़ा, जी मीडिया, मूदी। रेगिस्तान में आबाद बाड़मेर पानी की बूंद बूंद को तरसा था, आज पानी पर तैर रहा है। वाटर लॉगिंग की वजह से करीब आधे शहर में मकानों के अंडरग्राउंड में पानी भर गया है और लोग परेशान हैं। दूर दूर तक फैले रेत के समंदर की गहराइयों में पानी भरा है। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन रेत में बसा बाड़मेर आज पानी पर तैर रहा है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के बाद बाड़मेर में भी वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि बेंटोनाइट, ग्रेवल और अग्नेय चट्टाने पानी को नीचे रिसने नहीं दे रही हैं। बाड़मेर के अंदर 1 मीटर गहराई से लेकर के 5 मीटर गहराई के बाद में एक हार्ड पैन इम्प्रीवियस लेयर आती है जो पानी को नीचे नहीं जाने देती, परकोलेट नहीं होने देती है। तो जो भी सीवेज वाटर है, जो लीकेज वगैरह से रिलीज हो रहा है या बरसात का जो भी पानी बरसता है तो वो उससे 1 मीटर से लेकर 5 मीटर की लेयर के ऊपर ही रहता है। वाटर लॉगिंग की वजह से जमीन खोदते ही पानी आ जाता है और जिनके घर में अंडरग्राउंड कमरे बने हैं उनमें पानी भर गया है। क्यों रुक रहा है पानी? बाड़मेर में 1 से 6 मीटर की गहराई तक सॉइल क्ले और बेंटोनाइट की लेयर है। ये लेयर 15 मीटर तक गहरी है। ऐसे में जमीन और मुरड़े के बीच का जो भाग है उसमें हर रोज जमीन में जाने वाला पानी जमा हो जाता है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ता और यह पानी जमीन और इस परत के बीच ही जमा होकर लॉक हो गया है। इस समस्या का पहला समाधान इस पानी को जमीन में नीचे उतारना है लेकिन वाटर लेयर 15 मीटर तक गहरी होने की वजह से यह मुश्किल हो रहा है। दूसरा समाधान इस पानी को पाइप के जरिए बाहर निकाल कर इसको ट्रीटमेंट तक पहुंचाना है। तीसरा, इस पानी का स्तर बढ़े नहीं और इसका दोहन लगातार होता रहे। 2 साल से समस्या आ रही है हमारे पानी का। ये पानी का हमने ये खुदवा रखा है, इसे हम पंपिंग करके पानी बाहर डलवाते हैं मगर फिर भी ये बारिश ज्यादा होती है या बाहर से कोई पाइपलाइन फूट जाती है तो उसका पानी भर जाता है तो फिर हमारी दुकानों के अंदर चला जाता है। भूगर्भ में मिले तेल और गैस ने बाड़मेर की तकदीर संवार दी थी लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या ने उसे परेशान कर दिया है जिसके समाधान के लिए नगर निगम जुटा हुआ है। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। खबर 3 बजे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।